हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में मैं YouTube शॉर्ट के दो नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसमें से जो फर्स्ट अपडेट है, तो YouTube शॉर्ट क्रिएटर के मन में काफ़ी डाउट है अर्निंग को लेकर के, तो आज वो सब कुछ क्लियर होने वाला है इस अपडेट से। और सेकेंड में जो बताऊँगा वो YouTube शॉर्ट क्रिएटर के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है, गुड अपडेट है। तो दोनों अपडेट के बारे में आपको अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। और जो फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब आप लोग का ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे और वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट अपडेट है यूट्यूब शॉर्ट के अर्निंग को लेकर के जो भी डाउट है उसको लेकर। तो इसमें फर्स्ट में हम जानेंगे कि YouTube शॉर्ट से अर्निंग कैसे होगा। तो आप लोग को पता ही होगा कि 1 फरवरी से YouTube शॉर्ट पे एड आने शुरू हो जाएंगे। तो एड से जो भी अर्निंग होगा उसका 55% YouTube अपने पास रखेगा और बचे हुए 45% क्रिएटर को। तो एड्स के ड्यूरेशन में जिन जिन क्रिएटर का शॉर्ट देखा गया उन सभी क्रिएटर में वो बचे हुए 45% डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसी में आप सेकेंड में जानते हैं कि YouTube शॉर्ट से अर्निंग किस प्रकार से होगा। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अर्निंग होगा, तो इसे मैं तीन पार्ट में आप लोग को बताऊंगा। तो इसमें फर्स्ट में है, यदि आप YouTube ऐप से डायरेक्ट शॉर्ट क्रिएट करते हैं, खुद की आवाज ऐड करते हैं, कुछ ऑडियंस को आप बताते हैं, तो इस प्रकार से जो आप शॉर्ट क्रिएट करेंगे उससे जो भी अर्निंग होगा उसका 55% YouTube अपने पास रख लेगा और बचा हुआ 45% पूरा का पूरा आपको मिलेगा। और इस तरह से शॉर्ट क्रिएट करने पे इस पे कॉपीराइट का तो कोई चांस है ही नहीं। इसी में आप सेकंड में जानते हैं, यदि आप YouTube ऐप से डायरेक्ट शॉर्ट क्रिएट करते हैं और YouTube से ही सॉन्ग या म्यूजिक ऐड करते हैं, तो इससे जो भी अर्निंग होगा उसका 55% YouTube अपने पास रख लेगा और बचे हुए 45% में क्रिएटर और म्यूजिक ओनर को मिलेगा, ठीक है। इसी में थर्ड में जानते हैं, यदि आप किसी अदर ऐप से शॉर्ट क्रिएट करते हैं देन एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो इस पे कॉपीराइट का चांस 100% रहता है। तो इस तरह के शॉर्ट से जो भी अर्निंग होगा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो अब जानते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा अपडेट है, गुड अपडेट है शॉर्ट क्रिएटर के लिए। जैसे कि लॉन्ग वीडियो का नोटिफिकेशन YouTube ऑडियंस के पास भेजता था, उसी तरह अब शॉर्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन YouTube ऑडियंस के पास भेजेगा, जिससे शॉर्ट वीडियो पर रीच बढ़ेगा, शॉर्ट वीडियो वायरल होगा। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आगे आप लोग को कैसा लगा पक्का कमेंट कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो के थ्रू मुझे आप लोग को इसी दो अपडेट के बारे में बताना था, सो मैंने बता दिया। आई होप कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा पक्का कमेंट कीजिएगा, और यदि थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।